गाइस वेलकम टू द न्यू डे। बस जस्ट अभी मैं सरकारी काम बहुत सारे ख़त्म करके लौटा हूँ और अभी बज रहा है दिन का 3:30। तो ये स्कूटी की डिक्की में थोड़ा पानी फैल गया था बॉटल का, तो चलो इसको मैं थोड़ा धूप में खड़ी कर देता हूँ डिक्की खोल के। ये लो मैंने खड़ी कर दी, अब सूख जाएगा। तो चलो गाइस बढ़िया से रेस्ट वेस्ट भी कर लिया है मैंने खाना खाने के बाद में, बस अब निकलने की तैयारी है। तो बस उसी तो निकलने के पहले ही कुछ थॉट्स आ रहे थे तो सोचा कि मैं शेयर करूं। तो गाइस ऐसा है कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, जब तक हमारे हाथ पैर हैं, जब तक लाइफ जो है वो अपॉर्चुनिटीज से भरी पड़ी हुई है, मतलब हर घंटे हर दिन हर घंटा जो है वो लाइफ जो है वो अपॉर्चुनिटीज से भरी पड़ी है। बस जो भी आप सोच रहे हो उस डायरेक्शन में बस काम करो, काम करना शुरू कर दो और इसके अलावा बाकी कहीं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको रोक सके। हमने कितने बड़े एग्जाम्पल हमारे सामने ही हैं, धीरू भाई अम्बानी हुए, अमिताभ बच्चन हुए, जिनका कि पूरा बैंक बैलेंस एक बार ज़ीरो हो गया था लेकिन वो वापस से उठ गए। तो ये है कि मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल तो है ही नहीं, तो क्या है फालतू में गिव अप तो करना ही नहीं चाहिए। ऐसा कि यार कुछ नहीं होगा और थक हार के बिल्कुल भी बैठना नहीं चाहिए। मतलब ये है कि बस आप जो सोच रहे हो ना, बस उसको आपको बस प्रैक्टिकली करना है, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं चाहिए दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच चाहिए कि बस हमें ये काम करना है, दैट्स ऑल। इसके अलावा दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आपको आपकी सक्सेस से रोक सके। हर दिन जो है वो अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है, बस आपको बस वो मौके देखने हैं कि यार हाँ, मौके देखने भी नहीं है, वो तो हम चलने लगेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आ जाएंगी। मान लो कि एक हमें जैसे कि कहीं तक जाना है, चलिए मान लीजिए वॉक करते हुए, तो जब तक हम चलेंगे नहीं जब तक कैसे पहुंचेंगे? तो चलना ज़रूरी है, चलते चलो अपॉर्चुनिटी तो अपने आप ही मिलती है, मतलब अपने आप ही बनती हैं। ये लाइफ का ये समझ लो कि ये लाइफ का AI है और ये लाइफ की AI में ये सब जो रिकमेंडेशंस हैं जो हमारे पास आती हैं, हमको जिस टाइप की भी हमको सक्सेस चाहिए, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हमें करना है, तो बस एक बार उस रास्ते पे हम चलना शुरू कर देंगे, अपने आप आएंगी अपने आप। ये नहीं है कि हमें कोई मंजिल को ढूंढना पड़े, अपने आप आती हैं। तो ब्रो इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है और थक हार के बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। हर दिन जो होता है वो अपॉर्चुनिटीज से भरा होता है, बस हम उस पर कितना काम कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि जब एंड में किसी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है तो फिर वही काम करो ना जो आपको अच्छा लगता है, वही करो जो आपको पसंद है, वही करो जिसमें आपको मज़ा आता है। हाँ मैं मानता हूँ कुछ ऐसे बहुत महान लोग होते हैं जो कि दूसरों के लिए अपने ड्रीम्स को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं, लेकिन उसमें भी इतने सारे प्लस पॉइंट हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, बस हमें उन चीज़ों की अच्छाइयाँ ढूंढना है कि अगर मैं अपना केस बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो इतनी बार सक्सेस ने मेरे कदम चूमे हैं और इतनी बार मैंने उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। बिकॉज़ अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है, मतलब हमारे साथ हमें लाइफ में कई ऐसे पॉइंट आए होंगे जब हमको लगता है कि अरे वो तो मैंने उसके चक्कर में ऐसा कर दिया, अदरवाइज़ सक्सेस तो मेरा तो काम हो ही गया था, मतलब मेरा जो ड्रीम था वो तो मैंने अचीव कर ही लिया था, बस वो तो उसके चक्कर में मैंने उसको बोला कि नहीं चलो जाने दो। तो अगर ये चीज़ भी माइंड में है तो भी आप समझो, इस चीज़ का लॉजिक भी आप समझो कि मतलब
हम उस चीज के लायक नहीं, मतलब हम उस चीज के लायक नहीं इसलिए वो हमारे पास नहीं है, या हम उस चीज के लिए, उस चीज को पाने के लिए पूरी तरीके से रेडी नहीं है, पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं है, इसलिए वो चीज हमारे पास नहीं है। बिकॉज अगर हम रेडी नहीं रहेंगे, प्रिपेयर नहीं रहेंगे, वो चीज हमें मिल जाएगी तो हम और ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे। लाइक मैं अपना देखता हूँ ना, तो मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है यार कि मैं रिग्रेट करूं या थैंकफुल रहूं, बिकॉज मेरे अंदर इतनी ज़्यादा इनोसेंस में इतना ज़्यादा इनोसेंट था, लोगों की बातों में आ जाता था। कोई 3-4 बार किसी ने मेरे को रिक्वेस्ट करी तो उसको पैसे दे दिए, उसका काम कर दिया, अपना काम छोड़ के उसका काम कर दिया। तो लाइक अगर ये मेरा नेचर होता और मेरे को सक्सेस मिल जाती तो मैं और ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाता, और बड़े बड़े गड्ढों में गिर जाता मैं। तो कभी कभी हमको है ना, अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो उसके लिए भी हमको थैंकफुल बोलना चाहिए ऊपर वाले को कि यार अच्छा हुआ नहीं मिला, बच गए। बिकॉज हो सकता है हम उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो, हो सकता है। मैंने तो ये देखा है कि है ना, हम बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, फिर भी काम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न है। लाइक मैंने तो ऐसे ही देखा है कि मतलब काम जब भी होते हैं, सक्सेस जब भी मिलती है तो बहुत इजीली तरीके से हो जाता है। कभी हमको ऐसा लगता ही नहीं कि हमने कुछ बहुत हार्ड करके कुछ अचीव किया हो, या क्योंकि जब हमें माइंड में ऐसा लगने लगता है ना कि हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो फिर हम सिर्फ एक कैलकुलेटेड रास्ता ही देख रहे हैं कि बस यहाँ से यहाँ तक, कि यहाँ से यहाँ तक। तो इसीलिए वो सारा प्रेशर आ जाता है माइंड में। और जितने भी लोग जो भी ऊपर की तरफ शूट आउट हुए हैं, वो कभी भी वो उस रास्ते को कैलकुलेट नहीं करते। तो कभी ऐसा आपको लगे कि यार मैंने बहुत मेहनत करी थी उस चीज़ के लिए लेकिन वो नहीं मिली, ऐसा तो हो सकता है कि आप देखो, हर चीज़ के दो साइड होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। सक्सेस के भी दो साइड होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है अपने गोल में, आपका जो ड्रीम गोल था आप उसमें वो नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं आपको थैंकफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज कि शायद आप पूरे उस चीज़ के लिए पूरी तरीके से रेडी नहीं थे। तो इसीलिए क्या हुआ है कि नेचर ने या गॉड ने आपको वो चीज़ नहीं दी। बिकॉज अगर आपको वो चीज़ मिल जाती विदाउट रेडी तो और ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाते आप। तो इसीलिए क्या है कि किसी भी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा भी रिग्रेट मत करो, और बस यार अपन ठीक से चल फिर रहे हैं, हम लोग हेल्दी हैं, वो सबसे बड़ी दुनिया में बोलना चाहिए कि वेल्थ है। बिकॉज हमको ज़रा सा बुखार भी आ जाता है ना, तो फिर हमको क्या लगता है, अरे यार बस ये ठीक हो जाए कैसे भी करके, या हल्का सा सर दर्द भी होता है, या हल्की सी हमको सुई भी चुभ जाती है, या कांटा भी हल्का सा फांस अगर गड़ जाती है हथेली में, तो बस पूरे टाइम उसी में मन लगा रहता है कि अरे यार बस ये निकल जाए, ये निकल जाए, या बुखार ठीक हो जाए हमारा, और भले ही कुछ भी हो। तो क्या है कि उस चीज़ के लिए हमेशा, अगर हम पूरी तरीके से फिजिकली फिट हैं तो उस चीज़ के लिए हमेशा थैंकफुल रहो, और बस जो सामने आए वो करते चलो, और लाइफ जो है वो अपॉर्चुनिटीज से भरी पड़ी है। अभी नहीं तो कल आ जाएगी, कल नहीं तो परसों आ जाएगी, परसों नहीं तो नरसों आ जाएगी। तो इसके चक्कर में आप अपना आज ख़राब मत करो कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बस वो हमारे अंदर की कुछ कमियाँ होती हैं जिस कारण से हम उनको मटेरियलाइज नहीं कर पाते। तो इस चीज़ का बिल्कुल भी रेडी मत करो। और एक और निंजा टेक्निक मैंने निकाली है अपना काम करने के लिए, कि जैसे कि हम लोगों की आदत है कि जो लोग ऑफिस गोइंग लोग नहीं हैं तो थोड़ा काम करेंगे फिर बैठ कर यार तो काम कर लिया, फिर चीज़ें रील्स देखने लग गए या रेस्ट करने लग गए। तो धीमे धीमे अब क्या है कि अब ये जो कंटिन्यू काम करने की जो अपने जो वर्किंग आवर्स हैं वो बढ़ाने हैं। लाइक अगर जैसे अभी 4 घंटे किया, फिर 1 घंटा और रुक के, तो फिर हम आधे पौन घंटे बैठ जाएंगे, फिर
एक दो घंटे फिर काम किया, तो जो चिल आउट करने की जो माइंड को किया, चलो थोड़ा मूड फ्रेश कर लेते हैं, तो उसको भी थोड़ा कम करना है। मतलब अब उसको भी अगर हम तो कम कर ही सकते हैं उसको, अगर हम उसको एज ए टाइम टेबल की, जैसे पहले हम एक, जैसे मान लीजिए लोग 9 to 5 जॉब करते हैं या 9 to 5 बिजनेस करते हैं अपना, उसके बाद 3-4 घंटे अपना चिल आउट करते हैं जो भी है, तो वो चिल आउट के आवर्स भी हम धीमे धीमे कम कर सकते हैं। लाइक 9 to 6 हम काम करें, फिर 9 to 7 हम काम करें, फिर 9 to 8 हम काम करें, ऐसा अपने आप को उस चीज़ के लिए रेडी करना पड़ेगा। तो अगर हम टाइम टेबल के हिसाब से करेंगे ना, तो वो चीज़ भी हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। तो चलो अपन जो भी बोल रहे हैं उस पर अपन वर्क करते हैं, और मेरे को भी बाहर जाना है, तो मैं रेडी होता हूँ। सी यू लेटर।